हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये पेपर से हमने बनाई है स्पेयर शेप यानी बॉल। तो देखिए ये कैसे बनी है। अलग अलग शेप्स हमने बनाई हैं, अलग अलग कलर भी किए हैं, और ये सारी अलग अलग शेप स्पेयर की हमने बनाई है न्यूज़पेपर के थ्रू। इस पर कलर नहीं किया है, इस पर कलर किया है हमने, इस पर कलर किया। और इससे आप काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के। तो आप हमारी वीडियो का पूरा देखिएगा। देखिए कितनी हार्ड बॉल बनी है, और ये सारी हमने सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाई हैं। तो आइए आगे बताते हैं आपको कि आप ये बॉल्स किस तरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालना है। आप एक गिलास पानी यूज़ करेंगे, किसी भी ट्रे में आप यूज़ कर सकते हैं या कोई बड़ा खुला हुआ बर्तन। और देखिए अभी हमने न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर लेके पानी के अंदर इसे हमने डिप कर दिया है। ये हाफ न्यूज़पेपर लिया है हमने, यानी एक न्यूज़पेपर का हाफ पार्ट। तो हमने इसे पेपर को पानी के अंदर रखना है अराउंड 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रखेंगे हम, ताकि ये पूरा सॉफ्ट हो जाए और ताकि हम इसे एक जो शेप है स्पेयर शेप हम इसे दे सकें। और ज़्यादा पानी ख़राब नहीं करना है हमने, सिर्फ थोड़ा ही पानी यूज़ करना है। और इसे 10 मिनट के लिए हम डिप करके रखेंगे पानी के अंदर, और ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और फिर हम इसकी शेप बनाएंगे। स्पेयर शेप बनाने के लिए रेडी हो जाएगा ये। तो ये मैंने पानी के अंदर डिप कर रखा है, थोड़ा थोड़ा हमने इसे प्रेस करना है ताकि कहीं से भी ये सूखा ना रहे। ये बिल्कुल गीला होना चाहिए, क्योंकि गीला होने के बाद ही ये जो है वो शेप ले पाएगा। और आइए अब बनाते हैं हम इसकी राउंड शेप। ये देखिए मैंने एक न्यूज़पेपर को पार्ट को लिया, और उसे मैंने इसे हाथों के साथ ऐसे प्रेस करना शुरू कर दिया है। पहले आपने इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है, पानी है, उसे आप निचोड़ देंगे बर्तन के अंदर ही, और उसके बाद इसे जेंटली स्लोली स्लोली आपने प्रेस करना है, क्योंकि अभी की जो कंडीशन है ये बहुत सॉफ्ट है। हल्का हल्का आपने प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद इसे हम ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे ताकि ये पूरा एक सर्कल शेप ले लें। तो ये देखिए हमारी जो शेप है इसने पूरी ले ली है, एक सर्कल बन गया है, एक बॉल की तरह स्फेयर शेप की शेप ले ली है अब इसने। और फ्रेंड्स, आप इस स्फेयर शेप की मदद से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जिस तरह की सोलर सिस्टम है, कोई पार्ट्स ऑफ प्लांट है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आप इस स्पेयर शेप की, ये जो बनाई है बॉल हमने पेपर की, इससे आप बना सकते हैं। तो ये अब सेकंड बॉल हम बनाते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये जो सेकंड पेपर है फ्रेंड्स, ये थोड़ा छोटा था, तो इसीलिए इसकी जो बॉल है वो छोटी बनेगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितना छोटा या बड़ा साइज़ आप इसका बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा आपने शेप बनानी है बॉल की, तो आपको बड़ा न्यूज़पेपर चाहिए होगा। अगर छोटा बनाना है तो हाफ से आपका ये बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बॉल्स हैं ये रेडी हो गई हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं क्योंकि ये अभी गीली हैं। अब हमने क्या करना है, इसे सुखाना है। सूखने के लिए हमें इसे रखना पड़ेगा सनलाइट में। देखिए पूरी बिल्कुल तेज़ धूप है, और पूरे एक दिन के लिए हमने इसे सनलाइट के अंदर रखना है ताकि ये पूरा सूख जाए। अभी ये पूरा गीला है, इसे सनलाइट के अंदर, धूप के अंदर हमने रख दिया है। एक दिन के लिए पूरा सूखने देना है इसे, ताकि ये सूख के बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, हार्ड शेप ले लेगा। और सूखने के बाद इसका जो वेट है फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी लाइट हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। तो ऐसे एक दिन सूखने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी हमारी बॉल्स। तो ये फ्रेंड्स, आफ्टर वन डे ये बिल्कुल रेडी हैं, सूख गई हैं, काफ़ी सॉफ्ट, ये अब हार्ड हो गई हैं काफ़ी। तो आइए अब इसके ऊपर कवर करते हैं हम इसे। मेरे पास ये एक टिश्यू पेपर है, ये हमारी बॉल्स हैं बनाई हुई। मैंने और भी काफ़ी अलग अलग शेप्स की छोटी बड़ी बॉल्स बनाई थी,
तो इसके ऊपर लगाते हैं हम फेविकॉल, ताकि फेविकॉल लगाने के बाद हम ये इसके ऊपर टिश्यू पेपर चिपका देंगे। और आप सिर्फ फ्रेंड फेविकॉल ही यूज़ कीजिएगा इसके लिए, कोई और हार्ड ग्लू मत यूज़ कीजिएगा, उससे आपके जो हैंड्स हैं हाथ हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो सिर्फ फेविकॉल आपने यूज़ करना है, क्योंकि एकदम सेफ़ है, हाथों को नुकसान भी नहीं होगा इससे। और ये देखिए, मैंने फेविकॉल लगाने के बाद इसके ऊपर टिश्यू पेपर चिपका दिया है, और जो एक्स्ट्रा टिश्यू था उसे हमने सीज़र की हेल्प के साथ कट कर दिया है। और इसे अब राउंड राउंड हमने दोबारा घुमाना है, और जहाँ जहाँ पे ये थोड़ा बाहर है टिश्यू पेपर, वहाँ पे आपने हल्का हल्का फेविकॉल लगाना है। और ये फेविकॉल आपके हाथों पे के ऊपर भी चिपक जाएगा, तो आप इसे बाद में वॉश कर सकते हैं। तो हल्का हल्का आपने प्रेस करना है, ताकि ये टिश्यू पेपर ख़राब भी ना हो। अब थोड़ा राउंड राउंड घुमाएंगे, ताकि ये पूरा अच्छी तरह चिपक जाए। तो ये देखिए, हमारी जो ये शेप है वो रेडी हो गई है। और इस तरह आप उसके चाहे तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, डायरेक्ट न्यूज़पेपर के ये बना के बॉल्स, या इसके ऊपर अलग अलग कलर कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर किया है मैंने कि पहले मैं इसके ऊपर ये टिश्यू पेपर लगाऊंगा, अब दूसरे बॉल के ऊपर हम टिश्यू पेपर लगाते हैं। पहले फेविकॉल लगाया सारी जगह, और उसे फिंगर की हेल्प के साथ पूरा साइडों में पूरा बिखार दिया है। और उसके बाद सेम प्रोसेस हमने फॉलो करना है, ये टिश्यू पेपर लिया और इसके ऊपर हमने इसे चिपका दिया, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम सीज़र के साथ कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिया है। और फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, हम इसे हल्का हल्का आपने प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है। तो ये हमारा स्पेयर रेडी हो गया है। इसका साइज़ बड़ा रखा है मैंने, बाकी बॉल्स का साइज़ छोटा रखा है। तो इस पे भी हम कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर कलर भी करेंगे, अलग अलग आप अपनी चॉइस का कलर कर सकते हैं। पेंटिंग कलर आप यूज़ कीजिएगा, जो नॉर्मल पेंटिंग कलर मार्केट में अवेलेबल हैं। और पेंटिंग ब्रश के साथ हम इसके ऊपर कलर करेंगे। ये टिश्यू पेपर मैं इसलिए लगा रहा हूँ, ताकि जो थोड़ा थोड़ा गैप रहता है इसके अंदर वो कवर हो जाए। तो सिर्फ फेविकॉल आप यूज़ कीजिएगा, कोई और स्ट्रॉन्ग ग्लू वो मत यूज़ कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपने फेविकॉल यूज़ करना है इसे पेस्ट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं हम इसके ऊपर कलरिंग। ये पेंटिंग कलर है मेरे पास, और पेंटिंग ब्रश के साथ हम इसे धीरे धीरे पूरे शेप के ऊपर कलर करेंगे। ये नॉर्मल पेंटिंग कलर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सिर्फ वही कलर हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। तो आप अलग अलग कलर्स इसके ऊपर कर सकते हैं, मैं येलो कलर कर रहा हूँ। और इस शेप के थ्रू फ्रेंड्स, आप काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। वो आने वाले टाइम में हम इसकी वीडियो बना के प्रोजेक्ट्स के साथ अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर। ये मैंने येलो कलर किया। अब छोटी बॉल के ऊपर, छोटी स्पेयर शेप के ऊपर मैं कर रहा हूँ ब्राउन कलर। धीरे धीरे आप कलरिंग कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कलर करना। इंटरेस्टिंग लगता है ना कलर करना, तो आप पेंटिंग कलर यूज़ कीजिएगा। इस सारी शेप को कवर करना आपने धीरे धीरे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रह भी जाएगा, तो उसे आप सूखने के बाद अच्छी तरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, हमारे जो शेप्स हैं, बॉल्स हैं, स्पेयर शेप, ये रेडी हो गई हैं। और ये सारी की सारी घर पे बनाई गई हैं न्यूज़पेपर के यूज़ करके। तो आप इस तरह ये स्पेयर शेप बॉल्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, गुड बाय।